So we will start with a very very quick recap of वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसके बाद हम सिर्फ स्पीरोमीटर कैसा दिखता है वो देखेंगे, बाकी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट सेम है। तो एज यू रिमेम्बर, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स है, वन इज मेन स्केल एंड अदर इज वर्नियर स्केल। वाई डू वी यूज दिस? बिकॉज इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर स्केल से थोड़ा और कम है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट है, 0.01। तो अगर हमको वर्नियर कैलिपर यूज करके कोई रीडिंग लेना है, फॉर एग्जाम्पल एक स्पीयर है, और अगर हमको इस स्पीयर का डायामीटर मेजर करना है यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो सबसे पहले हम लोग ये वर्नियर कैलिपर के जॉज में इसको फिक्स करेंगे, और देन वी विल रीड टू डिफरेंट स्केल्स, एक है मेन स्केल एक है वर्नियर स्केल। तो टोटल रीडिंग ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैंने कल डिटेल में बताया था, मेन स्केल रीडिंग इज टू सिंपल। वर्नियर स्केल पे एक जीरो है, वो जीरो मेन स्केल के साथ जहां भी कोइंसाइड होता है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है? 20 20 क्या? mm। तो बेसिकली ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना, इट इट इज लाइक अ पॉइंटर टू शो यू वॉट इज मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग डायरेक्टली मिल जाएगा, वर्नियर स्केल का जीरो जहां कोइंसाइड हो गया, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमको मिल गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 mm, और 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास 2 सेंटीमीटर आंसर है मेन स्केल रीडिंग का। और अगर आपको याद होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हो? सीडी मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और अगर आपको याद होगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था, याद है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मैंने कल बताया था इसको दो तीन तरीके से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लेकिन देखो, यहाँ भी लीस्ट काउंट वहां भी लीस्ट काउंट, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके लिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल या फिर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको? पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। तो रिमेम्बर, स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल को और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज पिच। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, पिच अपॉन टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट आपको मिल जाएगा ऐसा। तो पहले लीस्ट काउंट डिफाइन कर लेंगे एज पर द गिवन एग्जाम्पल। ये जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब पिच मतलब स्मॉलेस्ट डिविजन कितना दिखता है आपको? ये mm में है। 0 से 10 के बीच में एक लाइन है 5, 0 से 5 के बीच में 4 लाइन्स है, मतलब 1 mm। तो व्हाट इज पिच ऑफ मेन स्केल? 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल कितने डिवीजन दिख रहे हैं हमको? 10। तो डिवाइड बाय 10, तो 0.01 सेंटीमीटर, ये आ गया लीस्ट काउंट। किसका लीस्ट काउंट? वर्नियर कैलिपर का, मेन स्केल का नहीं, पूरे इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर कैलिपर का। तो ये आपको मिल गया लीस्ट काउंट। और कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर का डिवीजन जीरो छोड़ के मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हुआ, कौन सा हुआ यहाँ पे? 6। तो सीडी था 6, लीस्ट काउंट था 0.01। तो सीडी, हमारे पास सीडी है 6 और लीस्ट काउंट 0.01 है। तो व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग? 6 × 0.01 मतलब 0.06। और मेन स्केल तो था 2.3, तो 2.3 प्लस 0.06 मतलब 2.06। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज वर्नियर कैलिपर टू फाइंड आउट डायामीटर ऑफ अ स्पीयर अप टू एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल रीडिंग आपको मिल जाएगा 2 + 0.06, तो 2.06। फिर हमने देखा था स्क्रू गेज। अब इस स्क्रू गेज में भी दो स्केल है, एक को आप बोलते हो मेन स्केल, दूसरे को आप बोलते हो थिम्बल स्केल या फिर सर्कुलर स्केल। सिर्फ यहाँ पे स्लाइडिंग स्केल है वर्नियर स्केल, और यहाँ पे रोटेटिंग स्केल है थिम्बल
सिंपल स्केल या फिर सर्कुलर स्केल। यहाँ ये रोट यहाँ पे ये स्लाइड होता है और ये क्या होता है, रोटेट। तो यहाँ पे भी दोनों स्केल यूज करने पड़ेंगे आपको। तो टोटल रीडिंग विल अगेन बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग या तो फिबल स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं बताया था मैंने, बताओ कैसे फाइंड करते हो मेन स्केल रीडिंग। जितना दिखता है उतना रीडिंग है, खत्म। सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको, ये 0 या 0.5 या 0. सॉरी 0 0.5 लेकिन mm में, ये 1 mm, 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 and 4.5 mm। तो सेंटीमीटर में 0.45। इसके अगर आगे और एक लाइन दिख जाता तो कितना आता, 5। तो जितना दिखता है उतना मेन स्केल रीडिंग होता है। सो सिंपल। तो मेन स्केल रीडिंग भी डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। तो इस एग्जाम्पल में मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आया था 0.45 सेंटीमीटर या फिर 4.5 mm। और सर्कुलर स्केल रीडिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट का भी सेम फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जिसको क्या बोलते हो, पिच। क्या बोलते हो, पिच, अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट हमने कल देखा था, पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। इस मेन स्केल का पिच कितना है, 0.05 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बराबर ना। तो सेंटीमीटर में कितना, 0.05। और ये जो एग्जाम्पल में सर्कुलर स्केल है, इस पे 50 डिवीजन है, 50। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। वो ऑलरेडी हमने कल किया था। इसका कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड करना इस अगेन वेरी सिंपल। तो ये जो मेन स्केल पे डाटम लाइन दिख रही होगी, सेंट्रल लाइन, ये जो डाटम लाइन है, ये सर्कुलर स्केल के जिस लाइन के साथ ओवरलैप हो गया, दैट इज योर कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो एज यू कैन सी, 20 21 22, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 22 हो गया। फिर तो ये 22 इंटू लीस्ट काउंट कितना आया था, 0.001। तो 0.022 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग कितना आया, 0.45, प्लस सर्कुलर कितना आया, 0.022। तो इन टोटल कितना है, 0.472 सेंटीमीटर, ये आ गया टोटल रीडिंग। अब अगर इससे भी और एक्यूरेट चाहिए, और जरूरी नहीं कि एक्यूरेट होगा ही। देखो ऐसा है, स्क्रू गेज अलग जगह पे यूज होता है, स्पीरोमीटर का यूज कहीं और होता है। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्पीरोमीटर, उसका डायग्राम यहाँ पे गया, फाइन। तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज स्पीरोमीटर। तो ये स्पीरोमीटर है, एंड एज यू कैन अगेन सी, इसमें वापस दो स्केल है। ये जो एक स्केल लिखा हुआ है, ये मेन स्केल, और ये जो सर्कुलर डिस्क दिख रहा है, ये सर्कुलर स्केल है। तो यहाँ पे दो स्केल है, एक सर्कुलर स्केल और एक मेन स्केल, सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल। और ये स्क्रू का हेड है, स्क्रू हेड का हेड मतलब स्क्रू अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वो बाहर आएगा। तो यहाँ से आप स्क्रू को लूज या टाइट कर सकते हो। एंड देन ये पूरा स्पीरोमीटर, इट इज बेसिकली माउंटेड ऑन 3 लेग्स, एक दो और ये तीन। तो ये लेग है, लेग, और एक सेंट्रल लेग है। सेंट्रल लेग मूविंग होता है मोस्टली, बाकी 3 लेग्स मोस्टली फिक्स होते हैं। तो ये सेंट्रल लेग है, क्लियर यहाँ तक, बाकी सब वही है। बाकी वही दो स्केल है। तो टोटल रीडिंग क्या आएगा, क्या आएगा टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे और भी इजी है। ये डिस्क जहां तक आपको शो कर रहा होगा, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। अब जब स्क्रू को टाइट या लूज करोगे ना, तो ये सर्कुलर डिस्क ऊपर या नीचे होता है। अगर मैंने टाइट किया स्क्रू को,
तो डिस्क नीचे आ गया, अगर डिस्क नीचे आ गया तो ये शिफ्ट हो जाएगा रीडिंग। तो होता क्या है, ये मेन स्केल फिक्स है, ये डिस्क है, माई हैंड इज डिस्क। तो व्हेन यू रोटेट द स्क्रू, ये ऊपर नीचे ऐसा होता है, इधर आया तो यहाँ जो भी रीडिंग आएगा मेन स्केल का, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। नीचे गया तो जो भी रीडिंग दिखाएगा, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। तो डिस्क मेन स्केल को कहाँ टच कर रहा है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग, सिंपल। तो डिस्क कहाँ टच करता है वो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी। तो डिस्क जहाँ टच कर रहा है, दैट मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो वापस सेम वही कोइंसिडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना इसके ऊपर, ये डिविजन्स हैं, और नॉर्मली 100 डिविजन्स होते हैं इसके ऊपर नॉर्मली। तो ये जो लाइन है छोटे छोटे, ये 100 होते हैं। और सपोज ये 60th लाइन है, तो फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग वापस सेम फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, कोइंसिडेंट डिविजन इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का वापस वही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लगभग लगभग सब कुछ सेम। तो दैट इज वाई वी विल नॉट स्पेंड टाइम इन गोइंग थ्रू स्पीरोमीटर। अब होता ऐसा है ना कि समटाइम्स जब आप तीनों में से कोई भी एक, वर्नियर कैलिपर या फिर आप स्क्रू गेज यूज कर रहे हो या फिर आप स्पीरोमीटर यूज कर रहे हो, तो समटाइम्स यू गेट एरर। याद है एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, कौन से टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर में तीन सोर्सेस ऑफ एरर थे, इंस्ट्रूमेंटल, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड ह्यूमन एरर। अब यहाँ पे मेजरमेंट करते वक्त एरर आ सकता है, क्यों आएगा पहले समझ लेते हैं। एक बार बताओ, अगर मैंने जॉ के बीच में कुछ लगाया ही नहीं, मतलब मुझे कुछ मेजर करना ही नहीं है, तो ये दोनों जॉज को मैं टच करके रख देता हूँ, सही है, दोनों जॉज को टच कर दिया, तो उस केस में वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड, क्योंकि योर रीडिंग इज जीरो। लॉजिकल चीज है ना, क्योंकि मैं कुछ मेजर कर ही नहीं रहा, तो मैंने दोनों जॉ को क्या कर दिया, टच। और जब मैंने दोनों जॉ को टच कर दिया, तो वर्नियर स्केल का जीरो किसके साथ ओवरलैप होना चाहिए, मेन स्केल के जीरो के साथ। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये जो जॉज है, जॉज को यहाँ पे लग जाता है डस्ट। तो जब आप जॉ को टच करते हो, इवन दो बीच में और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ डस्ट वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ ओवरलैप नहीं करता, थोड़ा आगे करता है, राइट। तो मे भी मान लो यहाँ कर रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, जीरो, लेकिन आ रहा है क्या, जीरो नहीं। इसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं इसको, अब जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, और मैं इसको समझाने के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, एकदम सिंपल। होना क्या चाहिए था, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शुड मैच विद जीरो ऑफ मेन स्केल, लेकिन जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो थोड़ा आगे चला गया, आगे गया ना वो, तो आगे गया मतलब पॉजिटिव साइड पर गया, बराबर, करेक्ट। तो उसको बोलोगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलोगे उसको, देखो फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इमेजिन मुझे, मेरे लिए ये जीरो है, इमेजिन ये बोर्ड, अच्छा थोड़ा डिले चल रहा है, तो एनीवेज ये बोर्ड, दिस बोर्ड फॉर एग्जाम्पल इज मेन स्केल, आई एम वर्नियर स्केल, और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेट अस टेक दिस एज जीरो ऑफ मेन स्केल, मैं वर्नियर स्केल हूँ, तो जब कुछ मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए ना, जीरो ऑफ वर्नियर शुड मैच विद जीरो ऑफ मेन स्केल, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो शुड कोइंसाइड, होना चाहिए ऐसा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन गलती से थोड़ा आगे आ गया, तो मैं जीरो के पॉजिटिव साइड पे हूँ कि जीरो के नेगेटिव साइड पे हूँ, तो एरर कौन सा आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये याद रखो, पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। तो जब हम कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, क्या होता है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ होना चाहिए, कोइंसाइड। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, तो जीरो के, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के थोड़ा आगे है, आगे मतलब पॉजिटिव साइड पे है, तो वो एरर को पहले बोलोगे जीरो एरर और बोलोगे पॉजिटिव जीरो एरर।
मैं डायग्राम दिखाता हूँ पर थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर लो। उल्टा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, जब कुछ मेजर नहीं कर रहे हो तो दोनों जॉस को टच किया, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो शुड कोइंसाइड, लेकिन यहाँ पे वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, तो फिर कहाँ कौन सी साइड पे है? नेगेटिव। तो क्या बोलोगे उसको? नेगेटिव जीरो है इधर। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखोगे आगे। इफ द जीरो ऑन द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, विच एरर? एंड इफ इट इज ऑन द लेफ्ट, नेगेटिव। ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन में आंसर ज्यादा आएगा आपका। तो लेट अस सी व्हाट आर दिस जीरो एरर्स। तो जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, पहले देखो आइडियली होना ये चाहिए, ये जो पहला सिचुएशन है विदाउट जीरो एरर, क्योंकि जब मैं कुछ मेजर नहीं कर रहा हूं तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली हो रहा है, कोइंसाइड होना ये चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है तो क्या बोलते हो उसको? पॉजिटिव जीरो एरर। अगर लेफ्ट में तो क्या बोलते हो? नेगेटिव जीरो एरर। देखो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो पता लग गया कि यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर है, यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है, बट द क्वेश्चन इज ये पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे करना और क्यों करना? क्योंकि करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो और इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, कौन सा एरर है? जीरो एरर है, तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन कैसे करोगे? जब पता होगा कि कितना एरर है तो करेक्शन होगा ना, बराबर ना? जाना था घर पे, मैं 2 कदम आगे चला गया, 2 कदम आगे गया, मतलब पता तो है, 2 स्टेप आगे गए, तो 2 स्टेप पीछे आओ करेक्ट करने के लिए, पता ही नहीं आगे चले गए, कितना पीछे जाना पता नहीं, तो वैसा तो होगा नहीं। तो कैसे फाइंड करोगे? जीरो एरर देख लो। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, उसका फॉर्मूला है सिंपल, नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विथ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का कौन सा डिविजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है ये फाइंड करो, और किससे मल्टीप्लाई करो? लीस्ट काउंट से। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना था? 0.01। तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ये चेक कर लो। अब ये जो डायग्राम मैंने दिया है, देख के कोई बता सकता है कि कौन सा कर रहा है कोइंसाइड? ये सेंट्रल में मुझे बताओ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है? 4, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये फोर्थ नंबर का है, बराबर? सही है ना, फोर्थ है ना। तो डिवीजन किसका? डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल नंबर 4 इंटू क्या था? प्लीज काउंट। तो इसमें पॉजिटिव जीरो रहा कितना है? कितना है? 4 × 0.01, तो कितना आ गया? 0.04। तो पॉजिटिव जीरो एरर इज 0.04। क्लियर यहां तक? पक्का? गोइंग फॉर नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्या करते हो तुम, नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? टोटल डिविजन इन वर्नियर स्केल देखते हो, कितना है? कितना है? 10। माइनस क्या करते हो? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद मेन स्केल। ऊपर क्या किया था? कौन सा डिवीजन मल्टीप्लाई कर रहा है? मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। और नेगेटिव जीरो के लिए क्या करते हो? टोटल डिवीजन कितने हैं? 10। माइनस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इंटू क्या? लीस्ट काउंट। तो अभी आप मुझे को ये डायग्राम देख के बताओगे कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर कितना है। पहले तो बताओ कौन सा लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है? फोर्थ, फोर्थ ही कर रहा है ना यहाँ पे भी? यस, ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर और 4, करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? 10। माइनस डिविजन विच इज कोइंसाइडिंग 4, व्हाट इज 10 माइनस 4? 6 इंटू क्या? लीस्ट काउंट 0.06। तो यह आ गया आपके पास नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर यहां तक? पक्का? श्योर श्योर? अब हमको करेक्शंस करने हैं, अगेन वेरी लॉजिकल, एक्सट्रीमली लॉजिकल। मुझे पहुंचना था मेरे घर पे,
मैं गया 4 किलोमीटर आगे, बराबर बराबर, तो 4 किलोमीटर क्या होंगे मैं पीछे, ये पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छे समझ लो, तुमको जाना था घर पे, तुम 4 किलोमीटर आगे चले गए तो 4 किलोमीटर ही पीछे आओगे, 5 नहीं जाओगे, वापस कितना हो गए 4। मतलब तुमने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसमें से क्या माइनस करोगे 4, सही है, मतलब टोटल रीडिंग में से क्या माइनस करोगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो कभी भी अगर आपको करेक्ट करना है, देखो लिखा है करेक्ट रीडिंग इक्वल टू रीडिंग मतलब टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो क्या होगा माइनस। वापस से बोल रहा हूं, मुझे जीरो पे पहुंचना था, मैं 4 स्टेप आगे पहुंच गया तो 4 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा माइनस। तो पॉजिटिव जीरो एरर आए तो टोटल रीडिंग में से वो माइनस करोगे कि प्लस करोगे, वेरी गुड, उल्टा सोचो, मुझे पहुंचना था जीरो पे, मैं 0 से 2 कदम पीछे रह गया तो फिर क्या करना चाहिए प्लस। तो जब नेगेटिव जीरो एरर आए तो टोटल रीडिंग में वो माइनस करोगे कि प्लस करोगे, तो अभी याद रखना नेक्स्ट टाइम से, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो चाहे वो स्क्रू गेज हो, अगर जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो उसको क्या करते हैं माइनस, और अगर जीरो एरर नेगेटिव हुआ तो क्या करते हैं प्लस, वेरी गुड। अब सिमिलर टाइप ऑफ एरर यू कैन ऑल्सो हैव इन स्क्रू गेज एंड ऑल्सो इन स्पीरोमीटर, तो सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा आपको, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, दो डायग्राम है एक एक करके, राइट तो इफ यू सी नॉर्मली जब हम स्क्रू गेज यूज करेंगे और हमको कुछ मेजर करना ही नहीं है तो हम लोग एनविल और स्पिंडल को क्या करते हैं टच करते हैं, याद है क्या एनविल एंड स्पिंडल, यस, जिनको याद नहीं तो देख लो, ये एनविल था और ये था स्पिंडल, तो व्हेन यू डू नॉट मेजर एनीथिंग एनविल और स्पिंडल को क्या कर लोगे टच। और जब ऐसा होगा तो उस केस में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये जो डैटम लाइन होता है ना सेंट्रल लाइन और सर्कुलर का जीरो, ये क्या होना चाहिए कोइंसाइड होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बराबर बराबर ना, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे डैटम लाइन, डैटम लाइन अच्छे से सुन लो, डैटम लाइन सर्कुलर के जीरो के नीचे रह गया, नीचे रहना मतलब पीछे रहना, पीछे रहना मतलब नेगेटिव साइड पे रहना, तो ये एरर कौन सा है नेगेटिव जीरो एरर, तो लिखा है यहाँ पे कहीं लिखा होगा नेगेटिव जीरो एरर, तो चेक कर लो होगा नेगेटिव जीरो एरर कहीं तो लिखा होगा, देखो लिखा है नेगेटिव जीरो एरर, बराबर। और इसको कैसे कैलकुलेट करना बताता हूँ, उल्टा सोचो, उल्टा उल्टा भी हो सकता है, उल्टा ऐसा हो सकता है ये जो डाटम लाइन है या सेंट्रल लाइन है ये सर्कुलर स्केल के जीरो के ऊपर चला गया, मतलब आगे चला गया, आगे मतलब क्या पॉजिटिव, तो ये कौन सा है पॉजिटिव जीरो एरर। आपने वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट किया था, माइनस नहीं, कैलकुलेट कैसे किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, वो यहाँ पे भी वही करना है, तो चेक करो कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का डाटम लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, देखो तो कौन सा हो रहा है, ये 0 है फिर ये 1 है और ये क्या है 2, तो कौन सा हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू गेज का 0.001 इंटू क्या करोगे 2, तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना आएगा 0.00, वेरी गुड, देखो लिखा हुआ है इधर दिख रहा है 0.002 है ना ऊपर, हाँ तो क्या हो गया, तो बराबर है ना लीस्ट काउंट, हाँ लेकिन फिर उसका मेन स्केल का पिच अलग था इसका अलग है, वो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया ना उसका पिच था 0.5 mm, बराबर सही है ना, इसका पिच अलग, पिच मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो केस का अलग है उसका अलग है, क्लियर।
तो ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मेंशन किया होता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट, इससे पहले देख तो इन कर लेना। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लियर यहाँ तक? और मैंने अभी बोला पॉजिटिव जीरो एरर करेक्ट करने के लिए टोटल रीडिंग में से क्या करोगे, माइनस, तो सेम रूल अप्लाई हियर, राइट? और नेगेटिव जीरो एरर फाइंड कैसे करते हो, कैसे करते हो फाइंड? सेम सेम, वहां पे क्या था, टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस 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 कोइंसाइडिंग डिवीजन, यहाँ पर टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस, वेरी गुड। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे कितने हैं, 100 है। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है और कोइंसाइडिंग कौन सा देख लो, ये 95 का लाइन है, ये 96 और ये 97, तो कोइंसाइडिंग कौन सा है, तो टोटल डिवीजन मतलब कितने, 100 माइनस कोइंसाइडिंग कितना, तो कितना आ गया 3 बराबर, और लीस्ट काउंट कितना है, 0.001, तो एरर कितना आ गया, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल लिखा हुआ है -0.003। और नेगेटिव जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? डन डन, तो डन, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट ऑफ जीरो एरर्स। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो लेट अस सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 16। अभी ये क्वेश्चन जो है विदाउट ऑप्शंस है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फर्स्ट चेक कि आप प्रॉपर कर रहे हो कि अक्कर बक्कर बम्बे वो रैंडम हिट, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू हिट रैंडमली, इसके लिए ऑप्शन नहीं दिए। तो अभी पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूला है, हमने तो अभी एक ही देखा, कौन सा देखा हमने, कौन सा देखा हमने, लीस्ट काउंट का कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, पिच अपॉन क्या था वो, टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल। लेकिन देर इज वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग आउट लीस्ट काउंट, मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करते हो। लीस्ट काउंट का और एक फॉर्मूला है, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, वेरी गुड। मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर, तो ये अगर 0 है और ये 1 है, इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 10, तो 10 इक्वल पार्ट्स। तो मुझे बताओ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेन स्केल, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm, वेरी गुड, तो 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे 10 आएंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लेना अभी छोड़ो, राइट? तो आपको डायरेक्टली नहीं बताया व्हाट इज द पिच ऑफ मेन स्केल या फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, घुमा फिरा के 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब पिच, किसका पिच, मेन स्केल का। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। आगे बोला है इफ 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 18 स्मॉल डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, मतलब क्या, देखो दो स्केल थे, ये मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स थे, 20, मतलब ये 0 फिर 1 फिर 2, ऐसा करते करते 20, वर्नियर स्केल के 20 डिविजन्स मेन स्केल के कितने डिविजन्स के साथ कोइंसाइड हो गए, 18, मतलब यहां से मैं काउंटिंग चालू करता हूँ, 0 1 2, ऐसा करते करते यहां तक आया, तो मेन स्केल के कितने आ गए, 1, 1। इसका मतलब 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स
इज इक्वल टू हाउ मेनी मेन स्केल डिविजन्स? 18, 18 MSD, 18 मेन स्केल डिविजन्स। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का श्योर? 9 and 10। तो व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन? 9/10 मेन स्केल डिवीजन्स। गुड गुड। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस होगा। लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला ये होता है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और जिनको कंफ्यूजन हो, 1 VSD की 1 MSD, बड़ा स्केल कौन सा है? हाँ, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हो। अगर उल्टा कर दिया तो लीस्ट काउंट माइनस आ जाएगा। कभी सुना है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका एक्यूरेसी नेगेटिव है? सुना है ऐसा? नहीं ना, ऐसा होता नहीं है। तो सुनोगे कैसे? तो याद रखना, लीस्ट काउंट क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन। तो ये आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कितना है? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। व्हाट इज 1 MSD माइनस 9/10 MSD? 1/10 मेन स्केल डिवीजन। सही है। व्हाट इज 1/10? मेन स्केल डिवीजन। ये आ गया आपके पास लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट है, बराबर बराबर है ना? लेकिन व्हाट इज 1 MSD? हाँ, मैं आई नो मेन स्केल डिवीजन, उसकी वैल्यू दिया हुआ है तुमको। कितना दिया हुआ है? 0.1। डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? 0.1 MSD। बट व्हाट इज 1 MSD? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्काउंट इक्वल टू 0.1 × 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 मतलब 10^-1, ये भी 10^-1, तो कितना आ गया? 10^-2 मतलब कितना? 0.01 सेंटीमीटर। राइट। तो लीस्ट काउंट निकालने का ये सेकेंड मेथड है। मैं वापिस बता देता हूँ, क्वेश्चन में सिर्फ इतना था, मेन स्केल पे 0 और 1, 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 18 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 VSD इक्वल टू 18 MSD। 20 VSD इक्वल टू 18 MSD, मतलब 1 VSD कितना आ गया? 9/10 MSD। लीस्ट काउंट फाइंड करने का सेकंड फॉर्मूला क्या था? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD, तो 1/10 MSD, मतलब 1/10 कितना होता है? 0.1 MSD। व्हाट इज MSD? इट्स नॉट महेंद्र सिंह धोनी, इट इज MSD, मेन स्केल डिविजन। तो कितना है ये? 0.1। तो 0.1 और 0.1 कितना हो गया? 0.01। तुमको पूछा गया था व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर। आ गया लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर 0.01। आया समझ में? पक्का श्योर? ठीक है, अभी ये लिख लो, अगला मैं तुमसे करवाता हूँ फिर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू आउट विथ वन मोर क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई अगेन। एंथ डिवीजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसका मतलब ये है, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड्स विद n मेन स्केल डिवीजन्स। मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। आ गया ध्यान में? और आगे क्या बोला है? गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 1 MSD इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? ए, मतलब MSD की वैल्यू बताई है। तो 1 VSD इक्वल टू n/n+1 × a। सही है, ये मिल गया 1 VSD, 1 स्केल डिवीजन। आपको क्या फाइंड करना है? लीस्ट काउंट। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD। व्हाट इज MSD? ए। तो 1A मतलब ए माइनस 1 VSD, लेकिन 1 VSD कितना आया? n/n+1 × a। गुड। तो इसमें से ए निकाल लो कॉमन, 1 − n/n+1, क्रॉस मल्टीप्लाई, n+1
माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, एन एन कैंसल, तो ए अपॉन एन प्लस वन हो गया लीस्ट काउंट, ए अपॉन एन प्लस वन डन। चलो ध्यान दो, एक अभी ट्रिक बताता हूँ ट्रिक। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, एंथ डिवीजन ऑफ किसका, मेन स्केल कोइंसाइड्स विथ, एन प्लस वन। अगर ऐसा बोला होता एंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद एन प्लस सेकेंड ऑफ वर्नियर स्केल, तो क्या लिखते, टू, टू लिखते ना, यहाँ क्या लिखते, यहाँ क्या लिखते, टू, फिर यहाँ पे क्या आता, टू, यहाँ पे आता टू, तो यहाँ क्या आता, तो आंसर क्या आता, टू ए अपॉन एन प्लस वन। अब ये याद रख लेना, अभी मैं सारे का सारा हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आया था यहाँ पे, टू ए, अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस टू सॉरी, बराबर। गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, पे आओ। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन। तो अगले क्वेश्चन में पता है इसी को ए बोला है, वन मेन स्केल डिवीजन इज ए, और यहाँ पे कितना है वन मेन स्केल डिवीजन, 0.01। आगे बोला है 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, हमारे केस में एन प्लस टू डिविजन्स थे किसके, वर्नियर स्केल के, कोइंसाइड्स विथ कितने, 18 स्मॉल डिविजन्स ऑन मेन स्केल। हमारा हमारा क्वेश्चन में क्या था, एन है ना, मैंने अभी बताया, मैंने क्या बोला, एन डिविजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड्स विद एन प्लस टू ऑन वर्नियर स्केल। एन प्लस टू क्यों किया होगा, दिख रहा है यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये क्या है, तो एन कौन है, 20 की 18, 18, वेरी गुड वेरी गुड, तो एन कौन है, और आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट। हमने जो जनरल फॉर्मूला बनाया वो क्या आया था याद है, टू ए अपॉन, ऐसा आया ना, पक्का आया ना सर, व्हाट इज ए वैल्यू, वेरी गुड, अपॉन व्हाट इज एन, 18 प्लस 2, वन जा एन, व्हाट इज 0.1 बाय 10, आ गया। ये सब करना ही नहीं पड़ेगा आपको फिर, बट प्रोवाइडेड, वहां पे एक का डिफरेंस था एन और एन प्लस वन, मैंने जानबूझ के एन प्लस टू कर दिया टेम्पररी, क्योंकि मुझे याद था कि पिछले क्वेश्चन में 2 का डिफरेंस था, 20 एंड 18, तो बन गया शॉर्टकट फॉर्मूला। आप खुद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप्स अगेंस्ट जस्ट 2 to 3 स्टेप्स, तो टाइम बचेगा, तो ऐसे ट्रिक्स खुद को बनाने पड़ेंगे, बराबर। गुड, आंसर आया सेम। अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे दिस इज स्पीरोमीटर क्वेश्चन अगेन, आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व, यू सॉल्व एंड टेल मी इफ यू गेट सम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्पीरोमीटर हैज इक्वल 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क। तो जो स्पीरोमीटर में आपके पास डिस्क था, इस डिस्क के ऊपर टोटल टोटल 100 डिविजन्स है, तो यू हैव सच डिविजन्स, और टोटल डिविजन्स कितने हैं, 100, तो मैं लिखने नहीं बैठूंगा, देयर आर 100 डिविजन्स। ओके, एंड वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क, अगर मैं डिस्क को एक बार रोटेट करता हूँ, एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो मेन स्केल था, और डेफिनेटली यू शुड रिमेम्बर इसके ऊपर एक स्क्रू था, स्क्रू, तो मैं अगर इस स्क्रू को घुमाता हूँ तो डिस्क रोटेट होता है, और अगर एक बार डिस्क कंप्लीटली रोटेट होता है तो मेन स्केल पे वो कितने से शिफ्ट होता है, 0.01 से। एग्जाम्पल, अगर ये 0.05 है और मैं एक बार घुमाता हूँ तो वो कहाँ आ जाएगा, 0.06, मतलब आपको घुमा फिरा के बता दिया व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल, देयरफॉर स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल कितना है, 0.01, और टोटल डिविजन ऑन
टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, हाउ मेनी? 100 बराबर, राइट। तो लीस्ट काउंट क्या था? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो कितना है? 0.01/100। ये 10^-2 और ये 100 ऊपर आके और 10^-2, 10^-4 मतलब 0.0001 सेंटीमीटर। डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द स्पीयर शोन इन फिगर? पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल आर 50। देखो, मैंने बोला था किसी किसी स्क्रू गेज पे 100 डिविजन होते हैं, किसी पे 50 होते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशनड है, क्या बोला है? 50। यहाँ तक क्लियर? और क्या फाइंड करना है आपको? डायमीटर ऑफ स्पीयर, तो ये स्पीयर का डायमीटर फाइंड करना है, करेक्ट। तो कैन यू गेस ये पहला डायग्राम क्यों दिया होगा? एरर फाइंड करने के लिए, तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए दिया होगा। अब मैं उल्टा अप्रोच लेता हूं, उल्टा। अगर अगर जीरो एरर हो तो करेक्ट रीडिंग कैसे फाइंड करते हो? मैंने बताया था टोटल रीडिंग माइनस माइनस जीरो एरर, करेक्ट। माइनस कब? जब पॉजिटिव हो, और प्लस कब? जब नेगेटिव हो। तो पहले चेक कर लेंगे कि ये जो एरर है ये नेगेटिव जीरो एरर है कि आए फिर पॉजिटिव जीरो एरर है, देखते हैं। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम टेल मी विच टाइप ऑफ एरर इज दिस? पक्का? श्योर? 100%? इज दिस पॉजिटिव जीरो एरर और इज इट नेगेटिव जीरो एरर? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डाटम लाइन है वो सर्कुलर के जीरो से ऊपर है और 5 दिख रहा है ना। तो एक चीज और बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आए ना इधर, तो पॉजिटिव होता है। 94 95 96 97 आए तो वो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, बराबर। तो पॉजिटिव जीरो को ऐड करते हो कि सब्ट्रैक्ट करते हो? सब्ट्रैक्ट, तो बराबर है। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब पॉजिटिव जीरो एरर तो निकाल लेंगे, वो तो मिल ही जाएगा, तो मिल जाएगा ना पॉजिटिव जीरो एरर? कैसे मिलता है? आपने बोला यस, तो बताओ फिर। और ये अगली बार से ये पॉजिटिव जीरो एरर को मैं लिखूंगा PZE, पॉजिटिव जीरो एरर। तो मेरे को बताओ पॉजिटिव जीरो एरर कैसे फाइंड किया था? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, सही है ना? कौन सा डिवीजन कोइंसाइडिंग था? 5। लीस्ट काउंट कितना है? तो लीस्ट काउंट है पिच अपॉन टोटल डिवीजन्स। पिच कितना है? पिच 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 50। हाउ मच इज दिस? 0.002, सही है कि 0.02? 0.002, राइट, ये करेक्ट है। तो इसको 0.002 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 0.01, ओके, 0.01 सेंटीमीटर, ये आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। करेक्ट रीडिंग क्या होता है? टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, वो तो मिल गया ना, मिल गया। लेकिन टोटल रीडिंग कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड टोटल रीडिंग? पीछे लास्ट बट वन, तो टोटल रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे?
कैसे फाइंड करोगे टोटल रीडिंग? वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में टोटल रीडिंग कैसे फाइंड करते हो? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, बराबर। अब बताओ यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या है? 1.2, जितना दिखता है उतना होता है। ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, और 1.1 और 1.2, तो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 1.2 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स। ओके, व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो तुमने अभी फाइंड किया, 0.002। व्हाट इज सीडी? लुक 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 लुक, यहाँ पे मत देखना, ये एरर के लिए होता है। वहां देखो, वहां कितना है? 14, 14, नहीं तो इधर का उठा लिया, हो गया 14। हाउ मच इज दिस? 0.02 सेंटीमीटर, बराबर। हो गया, फिर टोटल रीडिंग मिल गया। व्हाट इज टोटल रीडिंग? 1.2 प्लस 0.028, मतलब 1.228 सेंटीमीटर। यह क्या टोटल रीडिंग? करेक्ट रीडिंग इज 1.228 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, 0.01। आगे एक और जीरो लिखने, तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, करो तो माइनस 1.218 सेंटीमीटर, और यही एग्जैक्ट आंसर है। हो गया, मिल गया। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस एज असाइनमेंट आई विल बी अपलोडिंग अलोंग विद दिस पीडीएफ। तो इसके आगे 5-6 क्वेश्चंस और है, बट दोज आर फॉर योर प्रैक्टिस, एंड दोज 5-6 क्वेश्चन आर ओनली फ्रॉम वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और स्पीरोमीटर। तो अगले 5-6 क्वेश्चन जो है दैट यू शुड डू एज एन असाइनमेंट, उन 5-6 में से एक क्वेश्चन कम से कम मैं टेस्ट में डालने वाला हूँ, तो वो आपको खुद को ट्राई करने हैं। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।